विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा। विविधा के सभी सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। हमेशा से ये कहा जाता रहा है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। समाज में जो कुछ घट रहा है उस यथार्थ से प्रेरणा लेकर और उसमें अपनी कल्पना का मिश्रण करके साहित्यकार अपना सृजन करता है, अपनी कहानियां कहता है। यही काम फिल्मकार भी करते हैं। फिल्मकार भी कहानियां कहते हैं और कई बार ऐसा हुआ है कि कहानियां कहने के लिए फिल्मकारों ने किताबों की तरफ देखा और किताबों और सिनेमा के समावेश से तैयार हुआ कालजयी सिनेमा। कई ऐसी फिल्में हैं जो पुस्तकों पर केंद्रित रही हैं। विविधा की शुरुआत में आज हम ऐसी कुछ फिल्मों की चर्चा कर रहे हैं और आगे चलकर एक बेमिसाल फिल्म की बातें आपको सुनवाई जाएंगी। जहां तक हिंदी सिनेमा की बात है तो हिंदी सिनेमा ने न केवल हिंदी की किताबों पर फिल्में बनाई बल्कि अंग्रेजी, बांग्ला, कन्नड़, तमिल तमाम अलग अलग भाषाओं की किताबों का सिनेमा में रूपांतरण किया है। जैसे देवदास को ही लीजिए, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की इस कृति को विश्व भर के सिनेमा ने अपनाया है। हिंदी में भी देवदास कितनी बार तो बन गई। सबसे पहले 1935 में प्रथमेश चंद्र बरुआ ने बनाई, सन 1955 में बिमल रॉय ने बनाई और उसके बाद संजय लीला भंसाली ने भी बनाई। बल्कि शरद चंद्र की कई कृतियों पर फिल्में बनी हैं, जैसे परिणीता को ही लीजिए या विराज बहू को लीजिए। इसके अलावा प्रेमचंद को अगर लें तो शतरंज के खिलाड़ी उनकी कहानी पर बनी फिल्म है या उनके उपन्यास को फिल्मों में ढाला और इस तरह आई फिल्म गोदान। रखे पतवा सर के डोले मनवा की ही यार में उठे तहिलो पुरुआ के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओ पिपरा के पतवा सर के डोले मनवा की ही यार में उठे तहिलो पुरुआ के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओ। अंग्रेजी के क्लासिक साहित्य को भी भारतीय सिनेमा ने अपनाया है। विशाल भारद्वाज ने शेक्सपियर की कई कृतियों को अपनी कहानियों में ढाला, अपने सिनेमा में ढाला। जैसे मैकबेथ को उन्होंने मकबूल में तब्दील कर दिया, ओथेलो पर उन्होंने ओंकारा बनाई और हेमलेट पर उन्होंने बनाई हैदर। ये सिलसिला लगातार चला आ रहा है। गुजराती के प्रसिद्ध उपन्यास पर सरस्वती चंद्र जैसी फिल्म बनी है, अमृता प्रीतम की कृति पर पिंजर जैसी फिल्म बनी है, आर के नारायण की मशहूर कृति थी गाइड जिसे विजय आनंद ने एक कालजयी फिल्म में बदल दिया सन 1965 में। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर ये छैया पाएगा कहाँ। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ, वहाँ कौन है तेरा। शेक्सपियर की कॉमेडी ऑफ इरर्स पर दो बार बेहतरीन फिल्म बनी है। एक बार बिमल रॉय प्रोडक्शंस की फिल्म आई दो दूनी चार और उसके बाद गुलजार ने अंगूर बनाई। प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो, हो दुखिया जीवन कैसे बिताऊं, प्रीतम आन मिलो। ठीक इसी तरह से रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी पर बेमिसाल फिल्म बनी काबुलीवाला। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जुबान
सबसे प्यारी सुबह तेरी सबसे रंगी तेरी शाम तुझ पे दिल कुर्बान तू ही मेरी किताबों पर आधारित फिल्मों का सिलसिला अभी हाल तक चला आया है। हरिंदर सिक्का का एक उपन्यास आया था साल 2008 में, जिसका नाम था कॉलिंग सहमत। इस किताब पर मेघना गुलजार ने फिल्म राजी बनाई। इस तरह की फिल्मों की लंबी फहरिस्त है, यानी सिनेमा और साहित्य का मिलन कुछ नया और अलबेला रचता है। जब साहित्य पर आधारित फिल्मों की बात हो तो एक कालजयी फिल्म ऐसी है जिसका जिक्र किए बिना बात पूरी नहीं हो सकती। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम। इस कहानी पर गीतकार शैलेंद्र ने एक फिल्म प्रोड्यूस की जिसका निर्देशन बासु भट्टाचार्य ने किया। ये फिल्म थी तीसरी कसम। इसकी बातें आगे चलकर करेंगे। फिलहाल आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को पूर्णिया के हिंगना हाट में हुआ था। भारत के ग्रामीण यथार्थ को जिस कथाकार और उपन्यासकार ने अपनी कृतियों में सबसे प्रभावी ढंग से उतारा है, उसमें फणीश्वर नाथ रेणु का नाम प्रमुख है। फणीश्वर नाथ रेणु का एक मशहूर उपन्यास है मैला आंचल। बिहार के ग्रामीण यथार्थ का अद्भुत चित्रण मैला आंचल में है। हालांकि मैला आंचल उपन्यास है, लेकिन इसकी काव्यात्मकता अनूठी है। ये इतना रसपूर्ण गद्य है कि आप इसमें डूबते चले जाते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु के मैला आंचल को उन्हीं के उपन्यास परती परिकथा के साथ जोड़ें तो भारत के ग्रामीण यथार्थ की एक मुकम्मल तस्वीर सामने आती है। उनकी कई ऐसी कहानियां हैं जिनकी आप चर्चा करना चाहेंगे और जिन्हें आप बार बार पढ़ना भी चाहेंगे। तीसरी कसम की बात अभी हमने की। उनकी एक बड़ी मशहूर कहानी है लाल पान की बेगम। यहां तक कि पंचलाइट कहानी को पढ़ें तो मन भर आता है। फणीश्वर नाथ रेणु की ठेस, संवदिया, जुलूस, एक आदिम रात्रि की महक, पहलवान की ढोलक जैसी कहानियां आपके मन में देर तक गूंजती रहती हैं। हमें उनके साहित्य से दोबारा गुजरना चाहिए, उनकी चर्चा करनी चाहिए और बच्चों को भी उनसे परिचित करवाना चाहिए। फणीश्वर नाथ रेणु को आज की विविधा में नमन करते हुए हम आपको सुनवा रहे हैं विविध भारती के संग्रहालय से निकाली एक अनमोल रिकॉर्डिंग। ये रिकॉर्डिंग है हमारे बेहद मशहूर कार्यक्रम बाइस्कोप की बातें की, और ये बातें केंद्रित हैं फिल्म तीसरी कसम पर। रिसर्च है संतोष साह का, प्रस्तुति लोकेंद्र शर्मा की। सुनिए। सिनेमा के आलोचक ये मानते हैं कि हिंदी फिल्में हमें एक ऐसे तिलिस्मी संसार में ले जाती हैं जो सच्चाई से कोसों दूर होता है। ये फिल्में हमें केवल सपने दिखाती हैं। आलोचक भाइयों का ये विचार कितना सही है, इस बहस में हम नहीं पढ़ते, परंतु ये सच है कि हिंदी सिनेमा के इतिहास में यथार्थ से जुड़ी फिल्मों की तादाद बहुत कम है। इन गिनी चुनी फिल्मों में ज्यादातर व्यावसायिक दृष्टि से यानी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह असफल रही हैं। दर्शकों के एक खास वर्ग ने भले ही इनकी सराहना की हो, पर आम दर्शक ने इन्हें आम तौर पर रिजेक्ट किया है। इक्का दुक्का फिल्में ही ऐसी हैं जो बॉक्स ऑफिस पर कामयाब हुई और दर्शकों के वर्ग द्वारा भी सराही गईं। ऐसी ही फिल्मों में से एक फिल्म की आज हम चर्चा करेंगे, यानी आज बाइस्कोप की बातें होंगी गीतकार निर्माता शैलेंद्र की फिल्म को लेकर, जिसका नाम है तीसरी कसम। सजना
सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। फिल्म तीसरी कसम बॉक्स ऑफिस पर कामयाब तो हुई, लेकिन ये कामयाबी प्रसन्नता का विषय नहीं बन पाई, क्योंकि तीसरी कसम को दर्शकों तक पहुंचाने के कुछ दिनों बाद ही निर्माता शैलेंद्र स्वयं इस दुनिया को अलविदा कहकर खुदा के पास चले गए। फिल्म निर्माण के दौरान हुए कुछ कटु अनुभवों ने कवि शैलेंद्र को बुरी तरह तोड़ डाला था। शायद इसीलिए उनके भीतर जीने की इच्छा भी मरती चली गई थी। सजनवा बैरी हो गए हमारा, चिट्ठिया हो तो हर कोई बांटे, चिट्ठिया हो तो हर कोई बांटे, भाग ना बांटे कोई, करमवा बैरी हो गए। फिल्म तीसरी कसम हिंदी के सुप्रसिद्ध कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम पर बनी है। इसकी संक्षिप्त कहानी कुछ इस प्रकार है। नौटंकी में नाचने वाली हीराबाई और गांव के गाड़ीवान हीरामन के बीच एक सफर के दौरान मैत्री हो जाती है और एक भावनात्मक रिश्ता बन जाता है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, परंतु हीराबाई अंत में आकर हीरामन से रिश्ता तोड़ लेती है, क्योंकि वो इसी में हीरामन की भलाई देखती है। नौटंकी छोड़ दोगी तो करोगी क्या? धंधे से मन हटाकर कहीं और लगाओगी तो पेट कैसे भरोगी बेटी? जिंदगी में पेट ही तो सब कुछ नहीं होता। अगर पेट सब कुछ नहीं होता तो प्यार भी सब कुछ नहीं होता। और फिर उस भोले भाले गाड़ीवान के साथ तुम्हारे ये मन का खेल अभी तो पर्दे के भीतर है। जब पर्दा उठेगा तब क्या होगा? क्या होगा? उसका सपना टूट जाएगा। नहीं नहीं, मैं उसका सपना कभी नहीं टूटने दूंगी। अगर ऐसा चाहती हो तो अपने तमाशबीनों को मायूस ना करो। कहीं ऐसा ना हो कि हीरा देवी को कोई चाहने वाला ना हो और हीरा बाई को कोई देखने वाला ना हो। अगर उसका भरम तोड़ दोगी तो वो बर्बाद हो जाएगा। नौटंकी छोड़ दोगी तो तुम खुद बर्बाद हो जाओगे। मेरे कुछ समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं? बिना कुछ कहे मुंह मोड़ लो, बेवफा समझकर माफ कर देगा। सन 1962 या 63 की बात है। रेणु की लंबी कहानी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम बांग्ला में अनुवाद करने के लिए बासु भट्टाचार्य को मिली। कहानी पढ़कर बासु भट्टाचार्य ऐसे अभिभूत हुए कि उन्होंने अनुवाद के तुरंत बाद इसकी पटकथा भी लिखनी शुरू कर दी। बासु भट्टाचार्य उन दिनों प्रसिद्ध निर्देशक विमल रॉय के असिस्टेंट थे और निर्देशन का प्रशिक्षण पा रहे थे। रेणु की कहानी पढ़कर उन्होंने निश्चय कर लिया था कि जब भी वे स्वतंत्र निर्देशक के रूप में अपनी पहली फिल्म बनाएंगे वो इसी कहानी पर बनाएंगे, तीसरी कसम। गीतकार शैलेंद्र बासु भट्टाचार्य के नजदीकी मित्रों में से थे। वे हिंदी फिल्मों में सफल गीतकार के रूप में स्थापित हो चुके थे। अच्छी फिल्में देखने का उन्हें बड़ा शौक था और वे प्रोग्रेसिव राइटर्स ग्रुप और इप्टा जैसी संस्थाओं के सक्रिय सदस्य भी थे। बासु भट्टाचार्य ने
तीसरी कसम कहानी उन्हें पढ़ने को दी। शैलेंद्र भी कहानी पढ़कर बहुत प्रभावित हुए। बासु भट्टाचार्य ने उन्हें बताया कि अपने निर्देशन की पहली फिल्म के रूप में उन्होंने इसी कहानी का चुनाव किया है और इसकी पटकथा भी तैयार कर ली है। शैलेंद्र भी ये सुनकर उत्साहित हो उठे और उन्होंने तय किया कि ये फिल्म वे स्वयं प्रोड्यूस करेंगे। उन्होंने उसी दिन 1,000 रुपये बासु भट्टाचार्य को दिए और रेणु की कहानी के फिल्मांकन के अधिकार प्राप्त कर लेने के लिए कहा। कुछ ही दिनों बाद रेणु की स्वीकृति भी आ गई और इस तरह शैलेंद्र और बासु भट्टाचार्य फिल्म निर्माण की तैयारियों में जुट गए। दोनों की मनस्थिति फिल्म के नायक हीरामन जैसी हो रही थी, जिसकी बैलगाड़ी में पहली बार हीराबाई आ बैठी थी। रक्षा करो भोलेनाथ, रक्षा करो। कोसों तक फैला हुआ सुनसान मैदान, फिर रात का सफर, जाने कौन सवारी है। गाड़ी में रह रहे के खुशबू आती है, पीठ में गुदगुदी भी होती है। सिर्फ पांव देखा था, सो भी जाने सीधा था या उल्टा था, कहीं जिन पर हेप ना हो। 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा भोलेनाथ, इस दफा रक्षा कर लो, बचा लो मेरे भोलेनाथ, बचा लो। ये तो परी है। परी कहाँ है? परी जी तीसरी कसम की कहानी में जिस बात से शैलेंद्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुए वो थी कहानी की सरल निश्चल भारतीयता, भारत की मिट्टी की गंध। तीसरी कसम पूरी तरह धरती से जुड़ी कहानी थी, एक ऐसे आदमी की कहानी जो यथार्थ से जूझता है, दुनियादारी के साथ जीता है परंतु भावनाओं का पूरा सम्मान करता है। एक दिन एक थका प्यासा मुसाफिर नदी किनारे पानी पीने आया, महुआ को देखते ही उस पे रीझ गया। नादान महुआ भी उसे दिल दे बैठी, जंगल की आग की तरह गांव में फैल गई उनकी प्यार की बात। सौतेली माँ भला कैसे देख सकती थी उनका सुख। उसने महुआ को एक सौदागर के हाथ बेच दिया। रोती छटपटाती महुआ चली गई सौदागर के साथ, बिछड़ गई जोड़ी। महुआ का प्रेमी आज भी जैसे रोता है। प्रीत बना के तूने जीना सिखाया, हंसना सिखाया, रोना सिखाया, जीवन के पथ पर मीत मिलाए, जीवन के पथ पर मीत मिलाए, मीत मिला के तूने सपने जगाए, सपने जगा के तूने काहे को दे दी जुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। फिल्म बनाने का मंसूबा बांध लेना एक बात है और फिल्म बना लेना बिल्कुल दूसरी। फिल्म निर्माण एक खर्चीला काम है, इसमें बहुत पैसा लगता है। एक सफल गीतकार के रूप में हालांकि शैलेंद्र अच्छा कमा रहे थे परंतु इतना नहीं कि फिल्म ही बना डालें। उधर बासु भट्टाचार्य की ओर से भी किसी आर्थिक योगदान का सवाल नहीं उठता था। ऐसी हालत में फिल्म कैसे बनती? दोनों मित्रों ने छोटे बजट की साफ सुथरी फिल्म बनाने का विचार किया। उस पर भी उन दिनों 2.5-3 लाख रुपए से कुछ ज्यादा ही खर्च आ रहा था। शैलेंद्र के पास कुल जमा पूंजी थी 1.5 लाख रुपए, उसे वे लगाने के लिए तैयार थे। अंत में विचार विमर्श के बाद यही तय पाया गया कि जो भी रकम फिलहाल पास में है उससे फिल्म आरंभ कर दी जाए, बाद में डिस्ट्रीब्यूटरों से लेकर या उधार मांगकर फिल्म पूरी की जाए। चूंकि फिल्म उद्योग में अधिकांश फिल्में इसी तरह बनती हैं, इसलिए शैलेंद्र ने भी यही करने का निश्चय किया। मगर शायद यहीं पर उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर दी। मैं बांस नहीं लाऊंगा, मेरा हिसाब कर दीजिए। क्या? अरे कुछ पैसे चाहिए तो थोड़े से अब लेगा, बाकी कल ले लेना। नहीं मुनीम जी, मैंने कसम खाई है ना मैं बांस ढूंढूंगा ना चोरी चमारी का माल। अजीब आदमी है, भला इतनी रात गए मैं आदमी कहां से ढूंढूं। जा जा कल भर ले आना। मेरा हिसाब कर दीजिए मुनीम जी। अच्छा तो फिर गाड़ी रख जा, और मुझे भी कसम खानी पड़ेगी कि हीरामन जैसे को गाड़ी नहीं दूंगा। मत देना। Thank you.
फिल्म की मुख्य भूमिकाओं में किसे लिया जाए, ये सवाल बहुत अहम था। छोटे बजट की फिल्म में बड़े सितारों को लेने की बात सोचना बेकार था, परंतु एकदम नए और गुमनाम चेहरे लेने की बात भी नहीं सोची जा सकती थी, क्योंकि तब फिल्म को बेचना मुश्किल हो जाता। काफी सोच विचार करने के बाद हीराबाई और हीरामन की मुख्य भूमिकाओं में मीना कुमारी और महमूद को लेने का फैसला किया गया। मीना कुमारी की ओर से स्वीकृति तो मिल गई, मगर उनके पति कमाल अमरोही ने उन्हें आउटडोर शूटिंग में बाहर भेजने से साफ इनकार कर दिया। असल में उन दिनों आउटडोर शूटिंग के दौरान मीना कुमारी के साथ कुछ ऐसे प्रसंग हो गए थे जिनसे उनका दाम्पत्य जीवन संकट में घिरने लगा था। पर तीसरी कसम की ज्यादातर शूटिंग गांव के वातावरण में होनी थी, इसलिए अंत में मीना कुमारी को लेने का विचार छोड़ना पड़ा। मीना कुमारी के बाद नूतन दूसरी अभिनेत्री थी जो हीराबाई की भूमिका में फिट बैठती थी, परंतु नूतन की उन्हीं दिनों नई नई शादी हुई थी। वे भी लंबे समय तक बंबई से बाहर रहने को तैयार हो जाएंगी, ये बात लगभग नामुमकिन थी। शैलेंद्र का स्वभाव बच्चों की तरह निश्चल था। कहानी तीसरी कसम को वे हर वक्त अपनी जेब में रखकर घूमते थे। अपने दोस्तों को ये कहानी सुनाते और इस पर फिल्म बनाने का इरादा बताते हुए उनकी राय मांगा करते। इस बात की भनक राज कपूर के कानों में भी पड़ी। राज कपूर शैलेंद्र के मित्र थे। जब उन्होंने शैलेंद्र से पूछा तो शैलेंद्र ने तीसरी कसम की पूरी कहानी उन्हें सुना डाली। कहानी सुनकर राज कपूर के मुंह से बेसाख्ता निकल गया, हीरामन तो मैं हूं, मेरे सिवा हीरामन और कौन हो सकता है, ये रोल तो मैं ही करूंगा। शैलेंद्र राज कपूर के मुंह से ये बात सुनकर खुशी से उछल पड़े। राज कपूर जैसे बड़े स्टार का उनकी फिल्म में काम करने का प्रस्ताव करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। राज कपूर ने न केवल फिल्म में काम करने का प्रस्ताव किया, बल्कि फिल्म बनाने में शैलेंद्र को पूरा सहयोग देने का भी आश्वासन दिया। और इस तरह हीरामन बैलगाड़ी वाले की भूमिका में आ गए राज कपूर। चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया। राज कपूर को मुख्य भूमिका में पाकर शैलेंद्र तो बहुत उत्साहित हो गए, परंतु फिल्म के डायरेक्टर बासु भट्टाचार्य की प्रतिक्रिया एकदम ठंडी रही। उन्हें राज कपूर मुख्य भूमिका में बिल्कुल नहीं जचे। कारण कि राज कपूर गोरे चिट्टे नीली आंखों वाले सुदर्शन व्यक्ति थे, चेहरा और बदन भी सुडौल और चिकना था। गांव की धूल धक्कड़ के बीच गाड़ी हांकने वाले मेहनतकश हीरामन से उनकी छवि मेल नहीं खा रही थी। दूसरी बात जो बासु भट्टाचार्य को असहज बना रही थी वो संभवतः ये थी कि राज कपूर टॉप के स्टार होने के साथ साथ चोटी के डायरेक्टर भी थे। उनकी निर्देशन प्रतिभा का लोहा भारत में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी माना जा चुका था। बासु भट्टाचार्य अभी तक असिस्टेंट डायरेक्टर ही थे। राज कपूर जैसे चोटी के डायरेक्टर को एक नौसिखिए की ओर से डायरेक्शन देना बड़े कलेजे का काम था, और बासु भट्टाचार्य शायद ऐसी हिम्मत अपने अंदर नहीं जुटा पा रहे थे। तीसरी बात यह थी कि राज कपूर जैसे स्टार के आने पर फिल्म छोटे बजट की छोटी फिल्म नहीं रहनी थी, और बड़े बजट की फिल्म बनाना बड़े जोखिम का काम था। बासु भट्टाचार्य की आनाकानी से शैलेंद्र की स्थिति संकटपूर्ण हो गई। राज कपूर ने फिल्म करने का ही नहीं, इसे पूरा करने में सहयोग देने का वादा भी किया था। अब उन्हें कैसे बताते कि फिल्म के डायरेक्टर बासु भट्टाचार्य उन्हें मिसकास्ट मान रहे हैं। कुल मिलाकर खुद शैलेंद्र की स्थिति मारे गए गुलफाम वाली बन गई। मारे गए गुलफाम, अजी हाँ मारे गए गुलफाम।
गए गुलफाम की स्थिति से शैलेंद्र कैसे निकले और मुख्य भूमिका में राज कपूर को रखने के लिए बासु भट्टाचार्य कैसे राजी हुए, इस विस्तार में हम यहां नहीं जाएंगे। बहरहाल इतना बता दें कि राज कपूर के फिल्म में आने के बाद फिल्म का पूरा सेटअप बदल गया। राज कपूर के साथ संगीतकार शंकर जयकिशन आ गए, कैमरामैन सुब्रतो मित्र आ गए जो सत्यजीत रॉय की फिल्मों के कैमरामैन थे और चोटी के टेक्नीशियन भी माने जाते थे। नायिकाओं में वहीदा रहमान उन दिनों टॉप पर थीं, वे आ गईं। साथ ही सितारों में इफ्तिखार, असित सेन, सीएस दुबे और कृष्ण धवन जैसे जाने पहचाने कलाकार आ गए। यही नहीं, राज कपूर की बदौलत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर और फाइनेंसर भी शैलेंद्र के पास खुद ब खुद आने लगे। इस तरह तीसरी कसम बड़े बजट वाली फिल्म बनती चली गई। कौन माने पलमवा बुला दे मेरे कोए, हाय राम बलमवा बुला दे मेरे को। ये कैसा गीत है, ऐसे तो कभी नहीं सुना। सुनिएगा कहाँ से, ये छोकरा नाच का गीत है। पहले छोकरा नाच वाले एक से एक गजल खेमटा गाते थे, अब तो भोंकू पे भेपू भेपू करके जाने कौन गीत गाते हैं लोग। क्या देख रहे हो जी? आपका मुंह बिल्कुल बिल्कुल क्या, बोलो ना। आपका मुंह बिल्कुल छोकरा नाच के मनुआ नटुआ जैसे दिखता है। हाय राम, मैं क्या छोकरा जैसे दिखती हूँ? जी नहीं, हाँ? वो छोकरे ही लड़की नुमा हुआ करते थे। वो देखिए कि गच्छिया आ गया। यही है कजरी नदी। मैं नहा लेती हूँ। हाँ, पर यहाँ नहीं। क्यों? ये मऊआ घटवारन का घाट है, यहाँ कुमारी लड़कियां नहीं नहाती। कुमारी? डिस्ट्रीब्यूटरों और फाइनेंसरों की बदौलत धन की समस्या हल होने का भरोसा तो हुआ, मगर इतनी बड़ी स्टार कास्ट को लेकर ग्रामीण पृष्ठभूमि पर एक गाड़ीवान की कहानी पर फिल्म बनाना व्यावसायिक दृष्टि से फायदेमंद साबित होगा, इसका भरोसा अब नहीं रहा। राज कपूर बड़े स्टार ही नहीं, बड़े इंसान भी थे। वे शैलेंद्र के सच्चे मित्र और सच्चे शुभचिंतक थे। तीसरी कसम को पूरी करके सिनेमाघरों तक पहुंचाने में उनके योगदान से इनकार नहीं किया जा सकता, परंतु इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इतने बड़े सेटअप की फिल्म संभालने की सामर्थ्य शैलेंद्र में नहीं थी। शैलेंद्र भावुक हृदय के कवि थे, व्यावसायिक चालाकियों का उन्हें कोई अनुभव नहीं था। वे हर किसी पर आसानी से विश्वास कर लेते थे। फिल्म जगत में ऐसा विश्वास अक्सर घातक सिद्ध होता है। फिर फिल्म निर्माण का शैलेंद्र को कोई तजुर्बा भी नहीं था। नतीजा ये हुआ कि थोड़े ही समय के बाद वे उलझने लगे। इन उलझनों का असर उनके लेखन पर भी पड़ा और लेखन से होने वाली आय पर भी पड़ा। वे निरंतर कर्ज में डूबते गए, बुरी तरह परेशान और त्रस्त रहने लगे और इस तरह शैलेंद्र अपनी मुसीबतों से घबरा कर शराब में डूबने लगे। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई,
काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। पुतले धरती ये प्यारी प्यारी मुखड़े ये उजले, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला। जिसमें लगाया जवानी का मेला, गुपचुप तमाशा देखे वाहर तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया। फिल्म तीसरी कसम हीरामन नाम के एक सीधे साधे गाड़ीवान की कहानी है। वो अपनी बैलगाड़ी में ऐसा माल ढोता है जो उसे हर बार झंझट में डाल देता है। हर बार वो मुसीबत से छूटने पर कसम खाता है कि आगे से फिर कभी ऐसा काम नहीं करेगा, मगर हर बार एक नई मुसीबत में फंस जाता है। अरे भाई, ये गाड़ी किसकी है? ए गाड़ीवान, ये तुम्हारी गाड़ी है? क्यों? गढ़बनेली के मेले जाना। गढ़बनेली? अरे वो तो 20 कोस दूर है, 30 रुपया लेंगे। हाँ हाँ भाई, दे देंगे। ये 5 रुपए तो तुम बयाने के लो और बाकी मेला पे पहुँचने पे दे दूंगा। मैं रेलगाड़ी से जा रहा हूँ। सुनो, कोई चोरी चपाटी का माल है क्या? अरे नहीं भाई। और बांस? हमको 100 रुपया भी देंगे आपको, हम बांस का लदनी नहीं लेगा। अरे अंधा हो गया क्या? बांस गठरी में बांध के ले जाते हैं, सवारी है सवारी, जनाना। हाँ। ये सवारी थी नौटंकी में नाचने वाली हीरा बाई। रूप ऐसा जैसे कोई परी, आवाज ऐसी जैसे कोयल की कूक। यात्रा के दौरान हीरा बाई से बात करते हुए हीरामन को नशा सा होने लगा। भैया, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम हीरामन है जी, हीरामन। ओह, तब तो मैं भैया नहीं नीता कहूंगी जी। मेरा नाम भी हीरा है ना, जब एक ही नाम होता है तो नीता कहते हैं। इस औरत और मर्द के नाम में बहुत फर्क होता है। कहाँ है फर्क, मैं भी हीरा, तुम भी हीरा। इस तुम्हारे घर में कौन कौन है? जी बड़ा भाई खेती करता है, भौजी है, शांता है और कजरी। और बाल बच्चे? शांता है ना, और कजरी के 2 बच्चे। दोनों लड़के हैं? कौन लड़के? तुम्हारे हुँ? कजरी तुम्हारी बहू है ना? क्यों? क्या हुआ? अरे कजरी गाय है, गाय, और उसके 2 बछड़े हैं। अच्छा, तो अब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई? हुई थी, लेकिन गौने से पहले ही दुल्हन चल बसी। कितना अरसा हुआ? बहुत, 15-20 बरस हो गया। अच्छा, फिर शादी नहीं की? कहाँ हुई फिर शादी, बहू जी की जिद, कुमारी लड़की से ही शादी कराएगी। ठीक ही तो है। अजी क्या ठीक है, कुमारी नहीं समझी, 7-8 बरस की लड़की। हाय राम, जेलना होगा, शारदा कानून जो है। कौन मानता है शारदा कानून? फिर भाभी राय क्यों नहीं बदल देती?
भाव जी सब करके बैठी हैं सो बैठी हैं। हमने भी तय कर लिया शादी नहीं करेंगे। सो क्यों? अरे कौन बलाए मोल लेने जाए और फिर शादी करके गाड़ी वानी क्या करेगा कोई। दुनिया में सब छूट जाए हम गाड़ी वानी नहीं छोड़ सकते। बीड़ी पिए गंध तो नहीं लगेगी? नहीं नहीं पियो। अच्छा बताइए आपका घर कौन जिला में पड़ता है? कानपुर। क्यों क्या बात है? वारे कानपुर तब तो नागपुर भी होगा। हाँ नागपुर भी है। क्या रे जमाना क्या क्या नाम बनाए कानपुर नागपुर। अच्छा आपके घर में कौन कौन है? सारी दुनिया जी। सारी दुनिया ये बात और है जिसकी सारी दुनिया होती है उसका कोई नहीं होता। न जाने क्या क्या बोल गया हीरामन और न जाने क्या कुछ समझी हीराबाई, लेकिन दिल की धड़क एक बार खुली तो बातों का झरना बह निकला। तुम तो उस्ताद हो मीता। इस क्या कहती हैं आप? मैं सच कहती हूँ तुम तो मेरे गुरु हो। हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है कि एक अक्षर सिखाने वाला गुरु और एक राग सिखाने वाला। आप शास्त्र पुराण भी जानती हैं? मैंने क्या सिखाया है आपको? क्यों नहीं सिखाया ये गीत? प्रीत बना के तूने जीना सिखाया, हंसना सिखाया, रोना सिखाया, जीवन के पथ पर मीत मिलाए, जीवन के पथ पर मीत मिलाए, मीत मिला के तूने सपने जगाए, सपने जगा के तूने काहे को दे दी जुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। महुआ घटवारन के रूप की तो कहानी ही सुनी थी। आज महुआ से भी सुंदर हीराबाई हीरामन की गाड़ी में बैठी थी, रूप और यौवन की अनमोल संपदा लेकर, जैसे डोली में बैठी हुई कोई दुल्हनिया। लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया, पिया की पियारी भोली बाली रे दुल्हनिया, लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया, मीठे बहन तीखे नैनो वाली रे दुल्हनिया, लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया, पिया की पियारी भोली बाली रे दुल्हनिया। की संपदा पर लोगों की मैली नजर न पड़ जाए इस बात का बराबर ध्यान था हीरामन को। आप यहाँ के लोगों को नहीं जानती और देखी लगे घूरने के हाथी फुच करने के। मेले का क्या हाल है भाई? अरे हमको क्या मालूम मेले का, हम तो विदा जी ले जा रहे हैं। कौन का? छत्तापुर पचीरा। छत्तापुर पचीरा कहाँ है? अरे होगा तुमसे क्या मतलब? हीरामन सरल और सीधा देहाती आदमी था। नौटंकी में नाचने वाली बाइयां कैसी होती हैं वो नहीं जानता था। उसके लिए जैसा वो था वैसी ही थी हीराबाई, निर्दोष और पवित्र। इसी तरह 30 घंटे गुजर गए, वक्त का पता ही नहीं चला। देखो देखो मीता।
की आतिशबाजी है। मेला आ गया क्या? जी। इतनी जल्दी मालूम ही नहीं पड़ा। जल्दी कहाँ, पूरे 30 घंटे लगे हैं। 30 घंटे गुजर गए? जी कुछ नहीं। नौटंकी पहुंचकर हीराबाई ने हीरामन और उसके दोस्तों के लिए मुफ्त पास बनवा दिए नाच गाना देखने के लिए। नौटंकी खत्म हुई तो सबके होठों पर हीराबाई के चर्चे थे, मगर हीरामन का मन आकाश में उड़ रहा था। क्या कमाल नाचती है, कमाल! वाह वाह, क्या गला पाया है! सुना है पान बीड़ी जर्दा कुछ भी नहीं लेती। क्या बात है, क्या बात है, बड़ी नेम वाली रंडी है। लेकिन दांत में मिस्सी कहाँ है? पाउडर से दांत धो लेती होगी, वही चाय कर रही है। क्या बचर बचर कर रहे हो, बचाने की भी तमीज नहीं है? कंपनी के भाई को रंडी बोलते हो? हाँ बोलता हूँ, जोर बोलूंगा। तुम कौन हो? तेरी दवाई खींच लूंगा। जा जा रंडी के बाहर। हीराबाई की इज्जत पर कीचड़ उछालने वाले को हीरामन कैसे छोड़ता? बदजबानी करने वाले को उसने मजा चखा दिया। खुद भी चोट खाई, परंतु ये चोट उतनी बड़ी नहीं थी जितनी कि हीराबाई ने बाद में पहुंचा दी। मारपीट क्यों कर रहे थे? जी मारपीट क्यों कर रहे थे? वो लोग आपको गाली दे रहे थे। गाली दे रहे थे तो क्या हुआ? कोई गाली दे कुछ कहे, तुम्हें बीच में आने की क्या जरूरत है? वो आपको, आपको क्या? आपको, आपको रंडी गंदी बात कह रहे थे। तुम क्या दुनिया वालों के मुंह पे ताले लगाते फिरोगे? कोई आपके बारे में अगर कुछ कहेगा तो जिसके जो जी आए कहने दो, और फिर मेरे लिए मारपीट करने वाले तुम होते कौन हो? क्या हक है तुम्हें? जिस हीराबाई की खातिर दोस्तों को दुश्मन बनाया, वही अब आंखें दिखा रही थी। सचमुच हीरामन जैसे आदमी को किसी से दिल नहीं लगाना चाहिए। सुनी सेज गोद मोरी सुनी मरम न जाने को, सुनी सेज गोद मोरी सुनी मरम न जाने को, छटपट तड़पे प्रीत विचारी ममता सूरो, ना कोई इस पार हमारा, ना कोई इस पार हमारा, ना कोई उस पार, सजनवा बैरी हो गए हमार, चिट्ठिया हो
करमुआ बैरी हो गए हमार सजनवा बैरी हो गए हमार उधर हीराबाई का गुस्सा भी ज्यादा देर नहीं ठहर सका मन डगमग करने लगा तो हर कार्य को दौड़ाकर हीरामन को बुलवा भेजा हीरामन आया दो टूक बात करने के लिए आप ये काम छोड़ दीजिए ये नौटंकी का काम क्यों क्या हुआ तुम्हें नौटंकी अच्छी नहीं लगती मेरी बात नहीं है लोग आपको बुरा समझते हैं तो क्या हुआ मैं बुरी बन तो नहीं गई फिर भी लोग तरह तरह की बातें करते हैं ना समझना बनो हीरामन मैंने तुम्हें उस दिन बताया था ना नौटंकी में काम नहीं करूंगी तो खाऊंगी क्या क्यों आप सर्कस कंपनी में काम कीजिए हाँ जी वहाँ आपको कोई बुरा नहीं कहेगा वहाँ बाघ को ना चाहिएगा क्या बाघ जी हाँ बाघ के पास आने की हिम्मत किसको होगी मैं बाघ ना चाहूंगी जी मुझे बाघ खा जाएगा हीरामन गुस्सा मत करो हीरामन ये बात नामुमकिन है तुम समझते क्यों नहीं नशा जो हो गया नशा हाँ मीता जैसे तुम्हें बैलगाड़ी चलाने का नशा है वैसे मुझे लैला और गुलबदन करने का नशा है देश देश घूमना सज धज के रोशनी में नाचना गाना जीने के लिए सिवा इस नशे के और है ही क्या मेरे पास नशे की बात हीरामन नहीं समझा समझता भी कैसे शोहरत और वाहवाही का नशा वही जानता है जो इसे चख चुका हो इसी मकाम पर हीराबाई की मोहब्बत के एक नए दावेदार बनकर आ गए गांव के जमींदार ठाकुर साहब ठाकुर साहब उन लोगों में से थे जो मोहब्बत की भीख नहीं मांगते मन भाई चीज को छीन कर हासिल करना जानते हैं अरे बत्ती कैसे बुझ गई हमने बुझा दी सोचा उजाले में तो तुमने हमें पहचाना नहीं अंधेरे में ही मुलाकात कर देंगे जमींदार साहब आप जो चाहते हैं कभी नहीं होगा मेहरबानी करके यहाँ से चले जाइए मेहरबानी करने के काबिल रखा ही कहाँ है तुमने दो टके की छोकरी एक मामूली गाड़ीबान के लिए तू ठाकुर विक्रम सिंह की बेइज्जती कर रही है याद रख अगर तू मुझे नहीं मिली तो हीरामन की लाश भी किसी को नहीं मिलेगी कोई नहीं आएगा अब तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा मैं समझ के आ गया हूँ है मुझे क्या समझ रखा है ठाकुर साहब की वहशियत ने हीराबाई को बहुत कुछ समझा दिया वो अपनी हैसियत भी जान गई और अपने प्यार की भी साथ ही हीरामन गाड़ीवान की हैसियत भी भूल मेरी थी जो खुद को भूल बैठी पर क्या करूं उसके भूले पर और सादगी की एक ही बात मुझे याद आती है रास्ते में किसी भी मुसाफिर को देखकर वो पर्दा ऐसे गिरा देता था जैसे मुझे किसी ने देख लिया तो नजर लग जाएगी आठ आने की टिकट लेकर जिसका नाच कोई भी देख सकता है उसे वो सारी दुनिया से छुपा कर ले आया और उस दिन जब किसी तमाशबीन ने बुरी बात कह दी तो मारने मरने को तैयार हो गया ऐसे भोले भाले इंसान के साथ
नहीं नजमा, स्टेज पर घंटा दो घंटा नाटक करना आसान है, लेकिन जिंदगी भर सती सावित्री का नाटक मुझसे नहीं होगा। मगर ये तो सोचो, तुम्हारे शहर के नौटंकी ने अगर तुम्हें वापस ना लिया तो क्या होगा? क्या होगा, लाखों की भीड़ में एक और हीरा भाई कहीं खो जाएगी। हीरा भाई ने फैसला कर लिया, हीरामन की दुनिया से वो दूर चली जाएगी, प्यार को कुर्बान कर देगी। गजब कहीं तारा टूटा, हाय गजब कहीं तारा टूटा, लूटा रे लूटा मेरे सैया ने लूटा, हाय गजब कहीं तारा टूटा, लूटा रे लूटा मेरे सैया ने लूटा, हाय गजब कहीं तारा टूटा। तीसरी कसम उन सामाजिक विसंगतियों को भी उजागर करती है जो कुछ लोगों को पूरी तरह लाचार कर देती है तो कुछ लोगों को निरंकुश बना देती है। यहीं से आरंभ होता है इंसान द्वारा इंसान का अमानवीय शोषण। आजकल सुना है तुम्हारे मन की बात सिर्फ बैलगाड़ी के गाड़ीवान ही समझ सकते हैं। कहां जमींदार साहब, आप ही की तरह वो भी मुझे गलत समझते हैं। आपकी निगाहों में मैं एक सिर्फ बाजारू औरत हूँ और उनकी निगाहों में देवी। लेकिन जमींदार साहब, उनकी गलत फहमी में जो एक नशा है वो ना आपके ऐश बाग में है और ना विलायती शराब में। अच्छा, तो आजकल तुम पर सती सावित्री बनने का नशा सवार है, मगर सती सावित्रियां बनाने से नहीं बनती हीरा भाई। क्यों नहीं बन सकती? अगर आप जैसे कदरदान सती सावित्रियों को बाजारू औरत बना सकते हैं तो ऐसे भी लोग दुनिया में कुछ तो हैं जो बाजारू औरतों को शरीफ औरत बना सकते हैं। फिल्म तीसरी कसम इंसानी स्वभाव की जटिलताओं को बड़े सहज ढंग से पेश करती है। इसमें गजब की सादगी नजर आती है और वही इसकी विशेषता है। ये सादगी घटना क्रम में भी है और इसके संगीत में भी। इसमें न तो फड़कते हुए डुएट्स हैं न वाद्य यंत्रों की चमत्कारिक कारगुजारियां। शंकर जयकिशन के संगीत के लिए ये एकदम नई चीज थी। शंकर जयकिशन यदि वाद्यों के जरिए किसी गाने में कोई नया प्रभाव या भड़कीलापन लाने की कोशिश करते तो शैलेंद्र उन्हें वहीं रोक देते। गीतों की धुनें लोक गीतों पर आधारित थीं। पार्श्व संगीत भी एकदम सादा था। सरगमी कारगुजारी का कोई भी मौका फिल्म तीसरी कसम में शंकर जयकिशन को नहीं मिल पाया था। उड़ उड़ बैठी पनवड़िया दो कन्या, उड़ बैठी पनवड़िया दो कन्या, उड़ उड़ बैठी पनवड़िया दो कन्या, अरे बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाले मुनिया, बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाले मुनिया, बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाले मुनिया, हाँ चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाले मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाले मुनिया, चलत मुसाफिर। तीसरी कसम का संगीत अपने दौर के फिल्म संगीत से अलग था। यह फिल्म भी अपने दौर की सभी फिल्मों से अलग थी। तीसरी कसम बहुत कामयाब फिल्म भले ही न रही हो, मगर ये नाकामयाब रही हो ऐसा भी नहीं। जिसने भी इसे देखा उसने तहे दिल से फिल्म तीसरी कसम की सराहना की। सबसे बड़ी बात यह कि इस फिल्म ने यह साबित कर दिया कि हिंदी में भी यथार्थ से जुड़ी सार्थक फिल्में बन सकती हैं और चल भी सकती हैं। शैलेंद्र को अच्छी फिल्में देखने और बनाने का बड़ा शौक था, परंतु ये शौक उन्हें काफी महंगा पड़ा। तीसरी कसम को बनाने के दौरान
उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा और फिल्म पूरी करके रिलीज करने में 4 साल से भी ज्यादा वक्त लग गया। इसी दौर में राज कपूर की महत्वाकांक्षी फिल्म संगम भी रिलीज पर आ पहुंची थी। राज कपूर व्यस्त हो चले थे और शैलेंद्र को जो सहयोग या मार्गदर्शन उनसे मिलना था वो उतना नहीं मिल सका। तीसरी कसम दिल्ली में रिलीज होने वाली थी। देश के उपराष्ट्रपति के हाथों प्रीमियर शो का उद्घाटन होने वाला था। तभी पता चला कि शैलेंद्र के एक फाइनेंसर ने उनके नाम वारंट निकलवा दिया है और यदि वे दिल्ली गए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शैलेंद्र अपनी ही फिल्म का प्रीमियर अटेंड करने से वंचित रह गए। रात ढलने लगी, चांद छुपने चला। शैलेंद्र भावुक तो थे ही, इन सारी घटनाओं ने उनके दिल पर इतना घातक प्रभाव डाला कि वे बीमार रहने लगे और तीसरी कसम रिलीज होने के 3 सप्ताह बाद ही इस असार संसार से चल बसे। एक अच्छी रचना के लिए रचनाकार को स्वयं को मिटाना होता है। ये उक्ति शैलेंद्र और उनकी कृति तीसरी कसम पर पूरी तरह लागू हो गई। शैलेंद्र आज हमारे बीच नहीं है, परंतु जब भी सार्थक सिनेमा की बात उठेगी शैलेंद्र हमेशा याद किए जाएंगे और याद की जाएगी उनकी फिल्म तीसरी कसम। आज के विविधा कार्यक्रम में हमने साहित्यिक कृतियों पर बनी फिल्मों की बातें की और हमने नमन किया हिंदी के प्रसिद्ध रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु को। विविधा कार्यक्रम से अब हम इजाजत लेते हैं। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई। दीजिए इजाजत यूनुस खान को, नमस्कार। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।